क्या 10 मार्च को उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सूपड़ा साफ होगा? क्या मोदी शाह की रणनीति भी बीजेपी को नहीं बचा पाएगी? क्या पूर्वांचल में बीजेपी को मिलेगी करारी हार? क्या बनारस में बिगड़ गया बीजेपी का समीकरण? उत्तर प्रदेश में चुनावी शोर तो शांत हो गया, लेकिन दावे का दौर अभी भी लगातार जारी है। सबकी निगाहें 10 मार्च पर टिकी है, जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा। लेकिन इसी बीच नेताओं का अपनी अपनी जीत को लेकर किया जा रहा दावा कितना सही साबित होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसी बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने दावा कर दिया कि न तो बनारस में पीएम मोदी का मेगा इवेंट इनके काम आया, न ही अमित शाह की रणनीति। रामगोपाल यादव ने तो यहां तक दावा कर दिया कि पूर्वांचल के कुछ ऐसे जिले हैं जहां बीजेपी का खाता तक नहीं खुलेगा। क्या होगा और क्या अंतिम चरण, जनता ने पूरा समाजवादी पार्टी के नाम कर दिया है बनारस सहित, जहां मोदी जी 3 दिन पड़े रहे, 4 दिन पूरा उत्तर प्रदेश पड़ी रही, बनारस की सारी सीटें अभी तक हम जीत रहे हैं। और तो छोड़िए, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, मऊ, कहीं बीजेपी का खाता नहीं खुलने जा रहा, चंदौली। वहीं कभी गर्मी निकालने की बात तो कभी 80-20 की बात करने वालों को रामगोपाल यादव ने आईना दिखाते हुए साफ कर दिया। और सत्ता में कौन आएगा कौन बाहर जाएगा, इसका जवाब जनता ने दे दिया है। ये बात पुरानी बात हो गई, जनता की बात होगी, जनता ने नकार दिया तो हमसे क्या पूछेगा। आपने एक पत्र लिखा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। सभी को इंतजार है 10 मार्च का, जब फैसले का दिन आएगा। लेकिन इस बीच अन्य मीडिया चैनलों द्वारा दिखाए जा रहे एग्जिट पोल को लेकर रामगोपाल यादव ने साफ कर दिया कि एग्जिट पोल कैसे बनाए जाते हैं और कैसे नैरेटिव सेट किया जाता है, ये सभी जानते हैं। लेकिन असली एग्जिट पोल 10 मार्च को आएगा तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। तारीख को 9 बजे आप सुनिएगा भाई, ये असली पोल शुरू हो जाएगा। अभी तो आप जानते हैं एग्जिट पोल डॉक्टर्ड होते हैं, सब पूछे जाते हैं ऊपर से कि बताओ तुम्हारा चैनल कितना दे रहा है, कितना दे रहा है, और जो पूछे उसी यहाँ तक आईवी वालों से कहा जाता है कि नहीं नहीं ये नहीं, इसमें सुधारिए, ऐसा दिखाइए। बहरहाल तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सूपड़ा साफ होने वाला है? जिस तरह से बनारस में जनता को रिझाने के लिए मेगा इवेंट किया गया, उसका असर नहीं हुआ, और क्या इसी का असर है कि अब सीएम योगी के चेहरे पर सिकन दिखने लगी है? दरअसल बाबा योगी के चेहरे पर जिस तरह की सिकन दिख रही है, उससे तो यही लग रहा है कि बाबा का पासा उल्टा पड़ गया है, और यही वजह है कि उन्हें भी एहसास हो गया है कि अब उनकी विदाई तय है। खैर, सातों चरण के मतदान के बाद एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं, सपा नेता डंके की चोट पर सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता अभी से चुप्पी साधे हुए हैं।